हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में डिस्कशन कर रहे थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभी तक दो वीडियो बन चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उसी में आगे बढ़ते हुए आज जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद, मतलब किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर increases with, the resistance of a conductor increases with, first option increase in length, पहला option है increase in length, second option है increase in temperature, second option increase in temperature, थर्ड ऑप्शन डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड फोर्थ वन ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, इसमें जो सवाल दिया हुआ है कि जैसे कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, बोला जा रहा है कि वो कब इंक्रीज करेगा। उसके लिए जो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, पहला है इंक्रीज इन लेंथ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R फॉर रेसिस्टेंस, L फॉर लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपको सही हो जाएगा। टॉपिक है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लेंथ, ये सही है। दूसरा है इंक्रीज विथ टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से आपके रेसिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको बता दें कि जब आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको हीट एनर्जी मिलता है, और एनर्जी के बढ़ने से, एनर्जी के राइज होने से, काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, और वेलोसिटी के इंक्रीज होने से जो पार्टिकल है वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से मोशन करेगा, जिससे कॉलिजन करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब दो पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रेसिस्टेंस है वो उस टाइम जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, तो वो बढ़ेगा।
तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से भी रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, दो हो गया। तीसरा है डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको बता दें रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट मीन्स टू से दैट हायर द एरिया लोअर द रेसिस्टेंस, स्मॉलर द एरिया ग्रेटर द रेसिस्टेंस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम लोग एरिया को डिक्रीज करेंगे तो एरिया को डिक्रीज करने से उसका जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो गिवेन जो कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, ऑल कंडीशंस आर इन द फेवरेबल मोड, इट मीन्स टू से दैट आइदर द इंक्रीज इन लेंथ और इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तीनों कंडीशन हम लोग को ये बताते हैं कि जो वैल्यू है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वो इंक्रीज करेगा इन तीनों कंडीशन से। तो देन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ से हम लोग को ये नॉलेज मिलता है कि जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस लेंथ के इंक्रीज होने से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से और क्रॉस सेक्शनल एरिया के डिक्रीज होने से राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल द फोर आर्म्स हैव इक्वल रेसिस्टेंस आर, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर्म इज ऑल्सो आर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस of the combination as seen by the battery is. This is so simple. Effective resistance को find करना है, दिया हुआ है कि in a Wheatstone bridge, all the four arms have equal resistance R. All the four arms have equal resistance R. If the resistance of galvanometer arm is also R, if the resistance of galvanometer arm is also R, यदि galvanometer का resistance भी R दिया हुआ है, तो then equivalent resistance of the combination, equivalent resistance of the combination as seen by the battery is. Options R by 4, R by 2, R and D में है 2R। तो देखिए कोई व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, हम सभी कोई ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल्ड रूप से अध्ययन किया है।
अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं इससे। ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें आपको दिया हुआ है ये जो चारों आर्म्स हैं इन सभी आर्म्स के जो रेसिस्टेंस है वो सेम है, इक्वल है। दिस इज योर आर 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 एंड आर। एंड ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका भी रेसिस्टेंस इक्वल है, दैट इज इक्वल टू आर। हम लोग को जो बैटरी जुड़ा हुआ रहता है तो ये देखना है कि बैटरी के दोनों पॉइंट्स के बीच में या ये जो बैटरी है वो कितना रेसिस्टेंस को देखेगा। सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है, तो इन बैलेंस्ड कंडीशन गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। बैलेंस्ड कंडीशन में गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, इन बैलेंस्ड कंडीशन आई जी दैट इज योर करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू जीरो। बैलेंस्ड कंडीशन में आई जी बराबर जीरो। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो जैसे ये जो टर्मिनल है और ये टर्मिनल जो है, तो इस टर्मिनल में दो रेसिस्टेंस हैं। आप इसको दो भाग में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। इधर से देखिएगा तो ये दोनों सीरीज में है और इधर से देखिएगा तो ये दोनों सीरीज में है। और इस कंपार्ट का जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। तो देन इन सीरीज आर इफेक्टिव बराबर आर वन प्लस आर टू। अब ये दोनों सीरीज में है तो आर इफेक्टिव बराबर आर प्लस आर। अब इसके बाद ये हो गया टू आर। एंड सिमिलरली जो नीचे है ऑल्सो आर वन इफेक्टिव और R2 इफेक्टिव बराबर भी आएगा 2R। अब R1 इफेक्टिव ऊपर वाले टर्मिनल का इफेक्टिव रेसिस्टेंस को माने हैं और नीचे वाले को R2 माने हैं। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो इसके लिए हम लोग जो 2R और 2R आया है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि इन पैरेलल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन बाय आर इफेक्टिव इज इक्वल टू वन बाय आर इफेक्टिव वन प्लस वन बाय आर इफेक्टिव टू।
यहाँ से वन बाय आर इफेक्टिव बराबर वैल्यू रख दीजिए 1/2R प्लस 1/2R, तो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2R LCM और यहाँ से हो जाएगा 1+1, तो 1/R इफेक्टिव बराबर 2/2R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो R इफेक्टिव बराबर R इफेक्टिव बराबर R। तो यहाँ से जो गिवन ऑप्शंस हैं सही आंसर हो जाएगा R, R इफेक्टिव इज इक्वल टू R। अब इसके बाद दिया हुआ है कि इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो देन इस परिस्थिति में हम लोग थोड़ा सा रेसिप्रोकल कंडीशंस को यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। बात करेंगे हम लोग कंडक्टर का और जो उसका आंसर रहेगा उसको जस्ट हम लोग रिवर्स करके गिवन क्वेश्चन का आंसर को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स द टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेज, इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेज कॉमा रेसिस्टिविटी, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज डिक्रीजेज एंड थर्ड ऑप्शन है becomes zero and fourth option है remains constant। देखिए इसके लिए first of all कंडक्टर्स के बारे हम लोग जानते हैं कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा और यदि टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेसिस्टिविटी घटेगा, लेकिन ये लागू होता है फॉर द कंडक्टर्स। यहाँ आपसे पूछा गया है फॉर इंसुलेटर्स, एक कॉन्सेप्ट के लिए चीज़ लिखेंगे इन कंडक्टर्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज रेसिस्टिविटी। तो यदि टेम्परेचर टी इंक्रीजेज रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज और यदि टेम्परेचर टी डिक्रीजेज देन रेसिस्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज। दिस इज फॉर कंडक्टर्स, बट इफ वी डिस्कस अबाउट द इंसुलेटर्स देन द टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी रो। मतलब इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज
इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज। उल्टा रिलेशन है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंक्रीजेज। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज देन रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज। इसके बाद आगे SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है MHO, तीसरा ऑप्शन है ओम मीटर, चौथा ऑप्शन है MHO पर मीटर। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या होगा। तो हम लोग यदि रेसिस्टिविटी का SI यूनिट निकाल लेते हैं और देन आफ्टर उसको रिवर्स कर देते हैं तो देन वी कैन फाइंड आउट द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी के लिए लॉ ऑफ रेसिस्टेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देन लॉ ऑफ रेसिस्टेंस होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो R बराबर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो रो L बाई A, R बराबर रो L बाई A। अब इसमें एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ रो। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। यहाँ से R बता रहा है रेसिस्टेंस को जो A है वो बता रहा है एरिया और L बता रहा है लेंथ। तो रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है दैट इज़ R ओम। तो रो बराबर ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर, कट जाएगा आ जाएगा ओम मीटर। ये किसका आया? रेसिस्टिविटी का। हम लोग को चाहिए कंडक्टिविटी का। तो हम लोग लिखेंगे दैट यहाँ से यदि देखा जाए तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिस्टिविटी। दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, और रो का आपका आ चुका है वैल्यू ओम मीटर। सिग्मा बराबर 1 बाय ओम मीटर, सिग्मा बराबर पर ओम पर मीटर, सिग्मा बराबर पर ओम पर मीटर। तो यहाँ से आंसर आ गया सिग्मा जो आया था हम लोग का पर ओम पर मीटर। तो गिवन ऑप्शंस में से इसको हम लोग ओम का उल्टा है तो लिखेंगे MHO, ओम का उल्टा पर मीटर। तो देन ये जो डी नंबर है ये इसका आंसर हो जाएगा पर ओम पर मीटर। अब इसके बाद एक सवाल है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। वो ये है कि द टू कॉपर वायर्स हैव लेंथ एल एंड टू एल। क्वेश्चन है टू कॉपर वायर्स हैविंग लेंथ एल एंड टू एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया टू ए एंड ए रिस्पेक्टिवली, टू ए एंड ए रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वुड बी, द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वुड बी। देखिए अब इसके लिए जो ऑप्शंस गिवन है 1:2 फर्स्ट ऑप्शन, 2:8, 1:8 एंड 1:1। देखिए ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो कॉपर के वायर हैं, दोनों का लेंथ दिया हुआ है आपको L और 2L और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A और A रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का इसमें से कौन सा रेशियो होगा दोनों कॉपर वायर का। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी का जो क्लास है वो आपको यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को देखेंगे। यहाँ तक आप लोग सभी कोई तैयारी करके रखें, ये क्वेश्चन बना के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।